हेलो फ्रेंड्स, रवि मोटर गैरेज चैनल पे आपका फिर से स्वागत है एक नया वीडियो में। तो हम आज बात करेंगे पल्सर 150 सीसी, तो किसका जो प्रॉब्लम चार्जिंग प्रॉब्लम आया है आप देख सकते हैं। चार्जिंग प्रॉब्लम मेनली कहाँ से हो रहा है ये आपको दिखाता हूँ। पहले आपको इसका वोल्ट चेक कराता हूँ। आपको बाइक स्टार्ट करो। देखिए इसका प्रॉब्लम, बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जा रहा है। ओके, आप लोगों को दिखाता हूँ इसका जो बैटरी का वोल्ट वो कैसा आ रहा है। देखिए तो बाइक को थोड़ा सा पिक अप दो। बढ़ दो, आप देख सकते हैं ये इसका जो वोल्ट 14 नहीं हो रहा है, 12 से 13 इतना सा होता है वोल्ट। देख सकते हैं इसका वोल्ट कुछ इस तरह का रीडिंग दे रहा है। तो इसमें 13+ यानी कि 14+ इसका वोल्ट आना चाहिए। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, इस एक स्क्रू ड्राइवर ले आओ। तो देखिए जब हम बैटरी का एक पोल हम खोल लेंगे, तो देखिए बाइक इस तरह से कुछ बंद हो जाता है। ओके, तो इसका जो मेन प्रॉब्लम रेगुलेटर से है वो कैसे है वो भी आप तो देख लिए आपने अब लोगों ने कि बैटरी, ये जो बैटरी से जो वोल्ट जो मिल रहा था पिकअप कॉइल को उसी से बाइक चल रही थी। ओके, और यहाँ पे भी आपको चेक कराऊंगा कि आर्मेचर कॉइल सही है कि नहीं, उसके बाद मैं रेगुलेटर को देखूंगा। तो हम बैटरी को लगा देते हैं। बैटरी को लगा दो। तो हमने बैटरी का ये जो नट लगा दिया, अब बाइक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बाइक को मैंने स्टार्ट कर दिया, और ये देखिए रेगुलेटर का ये जैक हमने खोल लिया है। और आप लोगों को दिखाता हूँ कि रेगुलेटर, इस रेगुलेटर का जो सिस्टम है ये सिर्फ बैटरी को चार्ज ही करते हैं, अदरवाइज हेडलाइट का काम इसमें नहीं है फ्रेंड्स। ओके, हेडलाइट का जो काम है वो डायरेक्ट डीसी वोल्ट से है। ये देखिए इसका हेडलाइट, रेगुलेटर बिना भी इसका हेडलाइट जलेगा, आप देख सकते हो। इस मॉडल में यही सिस्टम है। तो आप लोगों को दिखाता हूँ, तो आप आर्मेचर कॉइल को कैसे चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दीजिए, ये सीरीज लाइन होता है। तो ये देखिए देख सकते हैं, ओके इसमें लाइन आ रहा है, इसका मतलब इसका जो आर्मेचर कॉइल है सही है। ओके, आर्मेचर कॉइल सही है और आर्मेचर कॉइल इसमें लाइन जाता है रेगुलेटर में, और वापस इस जो वाइट वाला तार है आप देख सकते हो वाइट, देखिए ये चार्जिंग से निकलता है, ओनली चार्ज करता है। देखिए अदर्स योलो किसी बाइक आप देखोगे तो उसमें योलो वायर भी रहता है। ओके, मगर इसमें योलो नहीं रहता है, हेडलाइट का काम नहीं करता है, इसलिए इसमें ओनली सिर्फ बैटरी चार्ज होता है। तो हमने चेक कर लिया कि आर्मेचर कॉइल सही है। अब हम इस रेगुलेटर को चेंज करेंगे। ओके, तो हमने रेगुलेटर को खोल लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने 2 दिन बाद ये रेगुलेटर को मंगवाया और ये भाई साहब ने रेगुलेटर को मेरे को दिया है। तो फ्रेंड्स आपको बता दूँ, आपको जानकारी लीजिए, तो ये रेगुलेटर भी मल्टीमीटर में वोल्ट दिखा रहा था। ओके, ये भी वोल्ट दिखा रहा था, ये भी सही है, इससे भी थोड़ा सा चार्ज हो रहा है। मगर बाइक आप लोगों को तो पहले दिखाया, ये जो यहाँ का जो स्क्रू है ये खोलने से गाड़ी बंद हो जाता है, मगर ऐसा नहीं होगा। रेगुलेटर अच्छा होगा तो बैटरी जो पोल ये तार आप जब ये खोल भी देंगे तब भी ये बाइक बंद नहीं होगा। ओके, तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह का था, रेगुलेटर भी सही था और बैटरी की पोल में तार लगाने के बाद भी आपका बाइक बंद हो जाता है। तो ये देखिए मैंने नया रेगुलेटर इसमें इंस्टॉल किया है, ये देखिए आप देख सकते हैं। अब चलिए इसको
स्टार्ट करके इस वाला जो तार को खोल के आपको दिखाता हूँ। तार को खोलो, अब देख सकते हैं मैं ए मैंने आपको खोल लिया आपके सामने। ये देखिए बाइक बिल्कुल चल रहा है। ओके तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, रेगुलेटर नया थी, रेगुलेटर अच्छी थी, इसमें चार्ज आ रही थी, आपको लोगों को दिखाया इसमें चार्ज आ रही थी, तब भी जो ये इस तरह का बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और आपका जो ये बाइक बंद हो जाता है। ओके तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।